नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे मौसम के बारे में, जानेंगे आज पूरे दिन मौसम कैसा रहेगा, 10 फरवरी के दौरान किन किन जगहों पर मौसम बदलेगा। आज कई जिलों का मौसम है जबरदस्त, पाले पड़ने की संभावना है। राजस्थान के ऐसे कई जिले जहां पर भयंकर ठंड का सामना करना पड़ सकता है। शुरुआत करेंगे जिलेवार, तो सबसे अधिक है जो गंगानगर, सूरतगढ़, खाजवाला, बीकानेर, नागौर, जायल, चूरू, सरदार से, सुजानगढ़, सीकर, झुंझुनू समेत गंगानगर, हनुमानगढ़ और नौहर, भादरा, जयपुर, दौसा, अजमेर के कुछ एरियो में। इसी के अलावा टोंक, गंगापुर सिटी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, यहाँ जबरदस्त ठंड का प्रकोप है जो देखने को मिलेगा। लेकिन मौसम की बात करें तो लगभग मौसम साफ शुष्क बने रहने की संभावना है। हालांकि हो सकता है कुछ जालौर, सिरोही, सांचौर, पाली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या भीलवाड़ा, साथ ही अजमेर के इन जगहों के लिए बादलों की आवाजाही है, जो दोपहर के बाद शाम के वक्त इन जिलों में बादलवाई का असर रहेगा। इसी के अलावा भीलवाड़ा, कोटा, वही टोंक, गंगापुर सिटी और कोटा, बारन, बूंदी, झलवाड़ में यहाँ शाम होते होते बादलों की आवाजाही है जो जरूर बनेगी। राजस्थान के ऐसे अधिकतर जिले जहाँ शाम होते होते मौसम साफ शुष्क हो जाएगा। बाकी सभी राजस्थान जिलेवार की बात करें तो लगभग मौसम साफ शुष्क बना रहेगा, क्योंकि इस बार सूखा पाले पड़ने की संभावना अधिक बनेगी। कल भी राजस्थान के ऐसे जिले जहाँ पर पाले पड़ा और जबरदस्त बर्फ जमी, आज भी जिन जिलेवार उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाके जहाँ पर पाला पड़ने के साथ यानी बर्फ जमने की चेतावनी मौसम विभाग ने द्वारा जारी कर दिया। ये ठंड अब फसलों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है, तो कुछ फसलों के लिए फायदेमंद भी साबित होगी। हालांकि अब नए पश्चिमी विक्षोभ की बात करें तो राजस्थान में कब तक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा दोस्तों, बताते चले 12 फरवरी के आसपास राजस्थान में फिर से बादलों की आवाजाही बनेगी। राजस्थान के ऐसे जिले जहाँ पर जबरदस्त बादल छाए रहने की संभावना है, और उसके बाद की बात करें तो कुछ कुछ इलाकों पर यानी इसका प्रभाव है ज़्यादा बादल सक्रिय घनत्व के साथ बूंदाबांदी की गतिविधियां भी दर्ज हो सकती है। इसी के अलावा इधर भरतपुर संभाग के जिले धौलपुर सहित इन जगहों के लिए 13 फरवरी के आसपास मध्यम से हल्की बारिश, जयपुर संभाग उत्तर पूर्वी राजस्थान के जिलों में हो सकती है, लेकिन अभी क्लियर डाटा हमें नहीं मिल रहा, इसके बारे में आपको आगे जानकारी जरूर दे रहे हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर पहली बार पधार रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, फेसबुक पेज पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना, ताकि मौसम की जानकारी है जो आपको कंटिन्यू दी जाएगी। ताजा अपडेट के लिए हमेशा आप इस चैनल से जुड़े रहे, और कमेंट सेक्शन में आप अपने जिले और एरिए का नाम जरूर लिखे, ताकि हमें भी पता चले आप वीडियो हमारा कहां से देख रहे हो। अगले दिन आपको इसके बारे में जानकारी विस्तार पूर्वक के साथ साझा करेंगे। धन्यवाद।